है कि एक महाकंजूस आदमी था, उसने एक शीशी में घी रखकर और उसका मुंह बंद करके रखा था, और जब भी खाना खाता तो शीशी के ऊपर रगड़ कर रोटी खा लेता था। एक दिन वो अचानक बाहर गया और बाहर से आकर अपने बेटे से पूछा, बेटा तुमने खाना खाया? तो बेटे ने कहा, हाँ पापा मैंने घी से रोटी खा ली है। उसका बाप आश्चर्य से बोला, बेटा मैंने तो घी तिजोरी में रखी थी। तो उसने कहा, हाँ पापा मैंने तिजोरी के ऊपर रोटी रगड़ी और खा ली। उसका बाप गुस्सा होते हुए बोला, नालायकों तुम लोग एक दिन भी बिना घी के रोटी नहीं खा सकते। सच में जिंदगी कोई बटन हो तो बता जहाँ लिखा हो, आई वॉन्ट टू रिस्टार्ट माई लाइफ। अरे यार माचिस निकाल, माचिस नहीं है यार मेरे पास। भाई माचिस निकाल, मेरे पास तो नहीं है यार। यार किसी के पास माचिस नहीं, अब क्या करे? लेके आ जा जल्दी, छोड़ के माचिस जल्दी 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 लेके जल्दी आ। कहाँ चला गया? आ गया 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 क्या माचिस? अरे माचिस नहीं है, दुकान बंद है वहाँ। अरे यार अब अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो लाइटर है यार। अरे क्या बताऊं, मैं तो एक छोटा सा तारा हूँ वो पूरा आसमान है। अरे मैं तो एक छोटा सा तारा हूँ वो पूरा आसमान है। अरे मैंने ऊपर वाला ना देखा, मेरे लिए तो मेरा बापू ही भगवान है। इतनी शिद्दत से अगर काम करता ना तब तक प्रमोशन हो जाती तेरी। अरे तेरी शक्ल नहीं दिखती ना वहाँ पे। अच्छा तुम अपनी बुक भूल गई? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। बाय द वे कार्तिक, मीट गौरव, कॉलेज का गुंडा। और भाई कैसा है? बढ़िया भाई। अच्छा भाई एक बात बता, ये जूते कहाँ से लिए? वो एक्चुअली वो मेरे दादाजी के पास भी बिल्कुल सेम है। देखा ना। अच्छा भाई तू एक बात बता, बोल ना। आते वक्त दादाजी का आशीर्वाद लेके आया था? नहीं, क्यों? अरे फिर पैर छूले सेम फीलिंग आएगी। तीन कमती तीन छह तीन क्या नौ तीन चौबा तीन पनबी तीन सबा तीन आठ चौबीस तीन नौ नब्बे तीन दस सताईस चार गुण चार चार छह चार क्या नौ चार चौबीस चार पनबी चार छब्बीस सताईस चार आठ चौबीस चार नौ नब्बे चार दस आठ आठ सौ आठ सौ पाँच पाँच छः पाँच नौ पाँच चौबीस पाँच नब्बे पाँच सबा पाँच आठ चौबीस पाँच नौ नब्बे पाँच दस बीस मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। हाँ तो मत कर। सच में नहीं करूंगी। हाँ तो मत करना। कभी भी नहीं करूंगी। मत कर, जा निकल। तेरे बाप के नौकर हूँ क्या? बिल्कुल करूंगी। मारे लो कच्चा को 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 ना बनेगा मेरा? नहीं क्यों? मेरा मन है, नहीं बनूंगा मैं। नहीं अरे वो लड़की लो कुछ तो शर्म करो, इतना अच्छा खासा लड़का हूँ मैं, प्रपोज करो कमेंट में, पहली बोल रहा हूँ मैं। हाँ मैं किसको प्रपोज नहीं करता, मैं बहुत घमंडी इंसान हूँ, पहली बोल रहा हूँ। कब तक सिंगल रहूंगा यार मैं? अकेला अकेला घूमते रहता हूँ मैं, तुम लोग प्रपोज ही नहीं करते। एक बहुत ठंडी रात थी, बर्फ पड़ रही थी। एक गरीब आदमी रास्ते के किनारे लेटा हुआ था, तभी वहां से एक बिलियनर गया। उसने जब उसे देखा तो उस गरीब आदमी से पूछना चले गया कि तुम इतनी ठंडी में भी कैसे यहाँ लेटे पड़े हो बिना कोई गर्म कपड़े कोट के। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे पास कोट खरीदने के पैसे नहीं है, मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो इस बात पे बिलियनर को बुरा लगा, उसने कहा तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारे लिए अपना कोट लेके आता हूँ। अब बिलियनर घर तो चले गया, बट वो इस बात को भूल गया कि उसे कोट देना है। नाउ दूसरे दिन जब उसे याद आया तो वापिस से वहां गया। वहां पे जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका था और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में ये लिखा था कि जब तक मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे मेरे पास हिम्मत थी ठंडी से लड़ने की, बट जब तुमने प्रॉमिस किया तो मैंने उस प्रॉमिस से अपनी एक उम्मीद जोड़ ली जिसकी वजह से ठंडी सह पाने की मेरी हिम्मत खत्म हो गई। देखो ये स्टोरी का मेन मोरल तो मैंने ये पढ़ा था, कभी भी वो प्रॉमिस मत करो जो तुम पूरा ना कर सको। बट एक स्टेप आगे जाके आपको मैं यही मोरल दूंगा कि कभी भी दूसरों के ऊपर उम्मीद मत रखो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो, हमेशा अपने ऊपर डिपेंड रहो और हमेशा अपने आप से। ए भाई ए, चल यहाँ से निकल।
अरे क्या हो गया भैया, ये मेरा इलाका है, यहाँ सिर्फ मैं भीख मांगता हूँ, निकल। ओ टिंगने इधर आ, चल निकल, मार रहा गाय को है। चल भाई, मेरे को वो लोग मार रहे भाई, चलना भाई, चले निकल। मार, आप मारना, मेरे साथ मेरा भाई आया है, ये देख। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ ये कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए दो लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाहे तो, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा। जिसमें सिर्फ मेरा फायदा हो, मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसीलिए पीछे हूँ कि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग न समझे मेरी वफादारी को, मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती। अंधेरों में रहकर किस्मत कुछ यूं निखारी है, अंधेरों में रहकर किस्मत कुछ यूं निखारी है, बहुत नशे की है मियां, तब जाके सर से मौत उतारी है। दिव्या मेरी बात सुनो, दिव्या क्या चाहते हो तुम, मैं कुछ काम ही ना करूं? क्या काम करो, काम करने का कौन मना कर रहा है, लेकिन काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखो। क्या खाना क्या पीना तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता यार, क्या कर रहे हो तुम यार? तुम मत से कहो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तुम मेरी टेंशन लेना छोड़ दो। अरे टेंशन क्यों नहीं लो यार, आई लव यू यार, टेंशन तो होती है ना यार। क्या बोला, आई लव यू। एक टीचर क्लास में आते हैं और बोर्ड पर 9 का टेबल लिखते हैं। 9 के टेबल में वो जानबूझकर एक जगह गलती कर देते हैं, जिस पर बच्चे उन पर हंसने लगते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो बच्चों से पूछते हैं, बच्चों तुम हंस क्यों रहे हो? बच्चे जवाब देते, सर आपने 9 के टेबल में गलती कर दी। टीचर कहते हैं, ये गलती मैंने जानबूझ के की थी, मैं 9 जगह बिल्कुल ठीक था, बस एक जगह गलत था। तुमने मेरे 9 जगह सही होने पर कोई तारीफ नहीं करी, लेकिन एक जगह गलत होने पर तुम मेरी बुराई करने लगे, मुझ पर हंसने लगे। यही दुनिया तुम्हारे साथ करती है, तुम कितने ही अच्छे काम कर लो शायद कोई तुम्हारी तारीफ भी ना करे, लेकिन अगर तुम
एक बार कोई गलती कर दोगे सब तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम पर हंसने लगेंगे। तो याद रखना तुम इससे कभी भी डिस्करेज मत होना और अपने अच्छे काम करते रहना। सुनो। हाँ जी। तुम कितनी खूबसूरत होती जा रही हो ना दिन ब दिन। सच्ची? आपको कब लगा? तुम्हें देखकर रोटियां भी जलने लग गई हैं। नो 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 मेरी माँ कहती है कि अपने लफंगे दोस्तों का साथ छोड़ दो, ये सब बेकार है। मैंने कहा चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं पर मुझे स्वीकार है। और देखो माँ, दुनिया में कुछ लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक वो तुम हो और बाकी मेरे यार हैं। अगर कामयाब होना है तो चार चीज दिमाग में धक्का दियो। लोग के कहेंगे मेरा मूड नहीं है, मुझसे नहीं होगा और मेरी किस्मत खराब है।